हाँ जी, मेरी साली 48 साल की, तो हमने उसको जब एक एक्सरे कराया, टेस्ट करवाया, तो उसमें ना शिकायत आई कैंसर की। कोई एक रिपोर्ट में कहने लगे कि पथरी है, दूसरे में कहने लगे कि भाई इसमें कैंसर की शिकायत है। तो हमें जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी कैंसर अस्पताल रोहिणी है, आप इनको ना रिपोर्ट देखने के बाद इनको आज ही ले जाओ वहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस केस है, इसको वहीं एडमिट कराओ। और वहाँ तकरीबन आपके पास 20 से 25 लाख रुपए आपके जेब में होने चाहिए। जाते ही वो 5 लाख रुपए आप पहले मांगते हैं, जमा होते हैं। फिर एक डॉक्टर गुप्ता हैं विष्णु गार्डन के, हम उनके पास रिपोर्टें लेके गए। उन्होंने कहा आपके उसमें हैसियत में नहीं है कि 20-25 लाख रुपया आप खर्च करो। आप ऐसा करो, यहाँ पे राजीव या पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जनकपुरी में, ठीक है, आप वहाँ चले जाओ। वो दिल्ली स्टेट का कैंसर अस्पताल केजरीवाल जी ने बनाया। अस्पताल तो काफ़ी टाइम पहले से बना था, लेकिन केजरीवाल जी ने अब चालू कराया। जब हम बाहर जो ही अंदर गए, मेन गेट के ऊपर ये लिखा हुआ था कि एक पैट स्कैनिंग होता है इसका कैंसर के अंदर, कि भाई सबसे ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि वो टेस्ट से पता लग जाता है कि कैंसर कितना है, कितना बड़ा हुआ है, क्या है, लास्ट वही टेस्ट है। तो जब हम वहाँ गए तो सबसे पहले दरवाजे के शीशे के दरवाजे ऊपर लिखा हुआ था कि पैट स्कैनिंग कैश फ्री फ्री। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देख सबको पहले ये नोट कर ले और इसको सबको वो भेज दे, ठीक है, पोस्ट कर दे, ताकि किसी गरीब का भला हो। मैं कहता हूँ केजरीवाल का इतना भला हो जो पैट स्कैनिंग है 36,000 रुपये का बाहर हो रहा था, और किसी टेस्ट वो मशीन 50 करोड़ की है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सब कुछ फ्री है, ठीक है। जब उन्होंने ये कहा कि इसका हेडक्वार्टर दिलशाद गार्डन में है इस हॉस्पिटल का, यह भी पूरा चालू नहीं हुआ, पूरा हेडक्वार्टर वहाँ है। आप जितने भी टेस्ट हैं सब फ्री, कोई दवाई पैसा नहीं लगना, कोई टेस्ट के सारे टोटल फ्री। एक दान डॉक्टर हमें बताया कि 20 से 25 लाख रुपया लगना है। मैं कहता हूँ भगवान केजरीवाल की इतनी उम्र बढ़ाए, 100 साल से ऊपर हो और ऐसे ही सब की सेवा करते रहे। हमारा सब कुछ उन्होंने, एक रुपया भी वहाँ नहीं लगना, सारे टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। परमात्मा मेहर करे, कृपा करे, हैं उनकी उम्र बढ़े करे, ताकि लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहे।